नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये तीसरी वीडियो है एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज। ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट, तो मूव करते हैं क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी वॉज रिसेंटली इन द न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल has an internal combustion engine that runs on a mixture of petrol and water. तो पेट्रोल तो सही है लेकिन ये वाटर सही नहीं है। The engine has a fuel mix sensor and an engine control module programming those senses and automatically adjust for any ratio of designated fuel. तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा, हमें करेक्ट आंसर चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फ्लेक्स फ्यूल या फ्लेक्सिबल फ्यूल भी कह सकते हैं, कैन रन ऑन मोर देन वन टाइप ऑफ फ्यूल और इवन मिक्सचर ऑफ फ्यूल्स। द मोस्ट कॉमन वर्जन इज द यूज ऑफ ब्लेंड ऑफ पेट्रोल एंड इथेनॉल, क्या होता है इथेनॉल मीथेनॉल ब्लेंड हो सकता है। बट दिस इंजिन कैन ऑल्सो इक्विपाइड टू रन ऑन 100% ईदर पेट्रोल या ईदर इथेनॉल से भी रन कर सकता है। सो इससे क्या होगा, इट विल पुश द कार मेकर्स टू अडॉप्ट फ्लेक्सिबल इंजिन्स एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर स्ट्रेटजी टू कट डाउन द कंट्रीज डिपेंडेंट ऑन इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पे हमारा डिपेंडेंस कम हो जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग शार्पली क्या होता है, लोअर्स हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर कार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की, ये जो पॉल्यूशन ये पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनकी बहुत कम हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, दैट इज आंसर नंबर बी, दैट इज टू ओनली। फिर कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, इट वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस टू मेक द एनवायरमेंट अ सिग्निफिकेंट इशू। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये भी सही है। स्टॉकहोम प्लस 50 इज एन इंटरनेशनल मीटिंग convened by the United Nations General Assembly to commemorate the 50 years of United Nations Conference on Human Environment. तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो 1972 में हुआ था, स्टॉकहोम जैसे शहर में हुआ था। The Stockholm Declaration contained 26 principles that placed environmental issues at the forefront of international concern and marked the start of a dialogue between industrialized and developing countries on the link between economic growth, pollution of the air, water and ocean as well and well-being of the people around the world. The Stockholm Conference jo tha wo sabse pehla कन्फ्रेंस कह सकते हैं या डिक्लेरेशन कह सकते हैं जो एनवायरनमेंट के ऊपर बात की गई थी, तो ये 1972 में हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर, कैरोलिन आर बटोजी, एंटोन जेलिंगर, विच ऑफ द अबव received Nobel Prize in Physics 2022 for their work on quantum information sciences. तो Nobel Prize for Physics, Chemistry, Physiology, Medicine सब में जानना बहुत जरूरी है, ये बहुत important होगा UPSC के लिए। तो इसका सही answer होगा 1, 2 and 4, जो कि answer number है option number C। तो the Nobel Prize in Physics 2022 was awarded jointly Alan Aspect, John F. Clauser and Anton Zellinger for किसके लिए, for experiment with entangled photons establishing the violation of Bell inequalities and pioneering quantum information sciences. तो basically आसान भाषा में कहा जाए तो quantum computing पे इनका बहुत बड़ा योगदान है। They conducted groundbreaking experiment using entangled quantum states where two particles behave like a single unit even when separated also. The result have cleared the way for new technology based on quantum information के तरफ में। इंडिया में भी अब इस पे बहुत रिसर्च हो रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग पे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रेफरेंस टू रामसर साइट, करिकली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, ये सही है। साक्ष्य सागर उत्तर प्रदेश, ये सही नहीं है। पिचावरम मैंग्रोव, ये भी गलत है। पाला वेटलैंड, ये भी गलत है।
हाउ मेनी पेयर करेक्टली मैच्ड है, तो ओनली वन पेयर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में, विच डिफाइंस ऑन विटलैंड के ऊपर हुआ था। रामसर एक सिटी है ईरान में, और विटलैंड को डिफाइन किया गया, तो विटलैंड एन एरिया ऑफ मार्श, फेन, पीटलैंड और वाटर, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल बोथ, परमानेंट और टेम्पररी बोथ, विथ वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग, मतलब लेंटिक या लोटिक, फ्रेश, ब्रैकिस और सॉल्ट, कुछ भी हो सकता है, इंक्लूडिंग एरिया ऑफ मरीन वाटर विद द डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 6 मीटर का। तो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन भी बहुत बार पूछ लेता है। रामसर कन्वेंशन केम इन एग्जिस्टेंस 1971 एज इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी दैट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड एंड द रिसोर्सेज। ठीक है, तो करिकली बर्ड सेंचुरी, पिच्छावरण मैंग्रोव जो वो तमिलनाडु में है दोनों ही, साके सागर जो मध्य प्रदेश में है, एंड पाला वेटलैंड ओडिशा में नहीं है, वो मिजोरम है। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट पिग्मी थ्री टूथ स्लॉथ? इट इज ऑल्सो नोन एज द मॉन्क स्लॉथ और ड्वार्फ स्लॉथ। ये बिल्कुल सही है। इट इज एंडेमिक टू इस्ला एस्क्यूडो दे वेरागुआस, विच इज अ स्मॉल आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ पनामा, जो कि कैरेबियन आइलैंड्स के आसपास में है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। इट इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, इसकी जो जनसंख्या है वो लेस देन 100 है पूरे वर्ल्ड में। तो ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्लॉथ है, ड्रॉफ स्लॉथ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और ये एंडेमिक है सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज में ही, कुछ कुछ कंट्रीज में पाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इज नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राफीन? ठीक है, इट इज वन एटम थिक लेयर ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन एन ऑक्टागोनल लैटिस। तो वन थिक लेयर तो सही है, लेकिन ऑक्टागोनल लैटिस नहीं होगा, तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट, ये बिल्कुल सही है। इट इज मोस्ट इलेक्ट्रिकली एंड थर्मली कंड्यूसिव मटेरियल, बिल्कुल सही है। इट हैज अ वास्ट पोटेंशियल इन द फील्ड ऑफ एनर्जी एज वेल एज मेडिसिन में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है, हमें गलत चूज करना है। द केरला गवर्नमेंट अनाउंस द कंट्रीज फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, अ जॉइंट वेंचर ऑफ डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंटर ऑफ मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी एंड टाटा स्टील लिमिटेड। ग्राफीन जो है वन एटम थिक लेयर ऑफ कार्बन एटम है, अरेंज्ड इन हेक्सागोनल लैटिस, तो ऑक्टागोनल नहीं होगा। इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ग्राफाइट, बिल्कुल सही है। इट इज थिनेस्ट एंड मोस्ट इलेक्ट्रिकली थर्मली कंडक्टिव मटेरियल इन द वर्ल्ड, वाइल ऑल्सो बींग फ्लेक्सीबल, ट्रांसपेरेंट एंड इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग भी है। तो ये बहुत वंडर मटेरियल है, ग्राफीन इज अ वंडर मटेरियल, बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज है। ड्यू टू इट्स वास्ट पोटेंशियल इन द एनर्जी एंड मेडिकल वर्ल्ड में इसका बहुत सारा यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल मिथेन प्लेज, इट वॉज लॉन्च एट द कन्फरेंस ऑफ पार्टी 27 इन शर्म एल शेख इजिप्ट। तो ये शर्म एल शेख में इजिप्ट में नहीं हुआ था, ये ग्लासगो 26 में, COP 26 में हुआ था मिथेन प्लेज। इसका मेन मकसद क्या था? एम इज टू कट डाउन मिथेन एमिशन बाई 30% फ्रॉम 2020 लेवल्स By the year 2030। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर चूज करना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मीथेन गैस जो है वन ऑफ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैसेस है, आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस जो कॉज करता है वो मीथेन गैस करता है, इसका फॉर्मूला है CH4। द ग्लोबल मीथेन प्लेज वॉज लॉन्च्ड एट COP 26 ग्लासगो में नवंबर 21 में टू कैटलाइज in action to reduce methane emission. The pledge was led by the United States and European Union. As of now, there are 111 country participants. The participant joining the pledge agree to take voluntary actions to contribute
collective effort to reduce global methane emission at least 30% from 2020 levels by 2030, इसको 30% कम करना है, 30% कम करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। Which of the following statements are correct regarding coral reefs? Coral is actually a living animal, बिल्कुल सही है। Coral has a symbiotic relationship with zooxanthellae, ये भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2। तो कोरल रीफ्स आर कॉलोनीज ऑफ टाइनी लिविंग क्रिएचर्स दैट आर फाउंड अंडर द ओशन। कोरल्स हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद ज़ूज़ैंथले। ज़ूज़ैंथले एक तरह से माइक्रोस्कोपिक एल्गा है। तो सिम्बायोटिक किस तरह से, तो एल्गा फूड प्रोसेस करके, सिंथेसाइज करके कोरल्स को देता है और कोरल्स शेल्टर प्रोड्यूस करता है और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर है। कोरल रीफ्स आर आल्सो रिगार्डेड एज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। द टर्म क्रिप्टोजैकिंग इज रिलेटेड टू फर्स्ट है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, स्पाईवेयर व्हिच अफेक्ट एंड्रॉइड एंड iOS। It is a cyber attack wherein a computing device is hijacked and controlled by the attacker. Transfer of cryptocurrency. तो ये है सही है ऑप्शन नंबर सी। जिस तरह से प्लेन हाईजैकिंग होता है उसी तरह से क्रिप्टो जैकिंग या क्रिप्टो हाईजैकिंग भी कह सकते हैं। क्रिप्टो जैकिंग इज अ साइबर अटैक वेयर कंप्यूटिंग डिवाइस इज हाईजैक्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द अटैकर एंड इट्स रिसोर्सेज आर यूज्ड टू इलिसिटली माइन क्रिप्टोकरेंसी। तो क्रिप्टोकरेंसी की माइनिंग में ये काम करता है। कॉइन माइनिंग एक लेजिटिमेट कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है यूज्ड टू रिलीज न्यू क्रिप्टो कॉइन्स इनटू सर्कुलेशन टू वेरीफाई द न्यू ट्रांजैक्शंस। तो ये एक लेजिटिमेट प्रोसेस है, लेकिन किसी से बिना पूछकर किसी का हाईजैक कर लेना वो गलत है। इट इन्वॉल्व सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम कॉइन माइनिंग में टू जनरेट ब्लॉक्स ऑफ वेरीफाइड ट्रांजेक्शन दैट गेट एडेड टू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-54 रॉकेट के बारे में। तो इट हैज लॉन्च द सेकंड जनरेशन सैटेलाइट इन द ओशनसैट सीरीज। तो ये सेकंड जनरेशन नहीं है, थर्ड जनरेशन है। इट हैज लॉन्च इंडिया भूटान सैटेलाइट विच विल प्रोवाइड हाई रेजोल्यूशन इमेजेस टू भूटान फॉर देयर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा। ISRO's वर्क हॉर्स PSLV C-54 has specially launched EOS 06 satellite along with 8 nano satellites including Indo-Bhutan satellite also. The mission was accomplished from Satish Dhawan Space Center and EOS 6 06 है जो है थर्ड जनरेशन सैटेलाइट इन द ओशन सैट सीरीज है। एंड द सैटेलाइट ऑन बोर्ड कैरीज 4 इंपॉर्टेंट पेलोड्स। कौन कौन से है? ओशन कलर मॉनिटर, सी सरफेस टेम्परेचर मॉनिटर, कू बैंड स्कैटरोमीटर एंड आर्गोस जो एक सैटेलाइट सिस्टम है। तो इंडियन भूटान सैटेलाइट प्रोवाइड क्या करेगा? हाई रिजोल्यूशन इमेज टू भूटान फॉर देयर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो भूटानीज रेसिडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरह से इसको लॉन्च किया जाएगा, किस तरह से रिसोर्सेज को शेयर किया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चंस है, और भी वीडियोस इसके आएंगे। इंटरनेशनल सीरीज अपलोड पूरी तरह हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही होगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब कर लीजिए मूनस्टोन क्लासेस को एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए कि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।